सरस्वती शिशु मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पक्की बाग में सांसद निधि से बन रहे नवीन कार्यालय, पुस्तकालय, प्रतीक्षालय और सभागार का मंगलवार को मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद और वित्त राज्य मंत्री भारत सरकार शिव प्रताप शुक्ला ने विधिवत मंत्र उच्चारण के बाद शिलान्यास किया। विद्यालय के प्राचार्य ने मुख्य अतिथि का अंग वस्त्र देकर स्वागत किया। मुख्य अतिथि द्वारा भूमि पूजन करके भवन निर्माण की नींव रखी गई, उसके बाद शिलान्यास हुआ। शिलान्यास प्रक्रिया समाप्त होने के बाद मुख्य अतिथि ने स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मोत्सव पर उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दिया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में क्षेत्रीय संगठन मंत्री विद्या भारती, पूर्वी उत्तर प्रदेश डोमेश्वर साहू, प्रदेश निरीक्षक शिशु शिक्षा समिति गोरक्ष प्रांत आत्मानंद सिंह, विद्यालय समिति के अध्यक्ष सीपी द्विवेदी, कोषाध्यक्ष शंकर गोयल, मंत्री बलराम कुमार अग्रवाल, प्रधानाचार्य सरस्वती शिशु मंदिर रमेश राय, विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं, छात्र छात्राएं और अन्य अतिथिगण मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए मुख्य अतिथि शिव प्रताप शुक्ला ने कहा, मैं विद्यालय परिवार की ओर से एवं संपूर्ण सदन की ओर आप बनने का हमें स्वअवसर प्राप्त हुआ है। आपकी गरिमा मने खाने कार्यक्रमों को कन्या भारती सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेश्वर सन्निधि नमो नमः पूजन तथा पूर्व आवाहित तिथि देवी देवतानाम शिव संकल्पमस्तु राजा विद्वान गंधद्वारा कुंकुमांता मया निवेदिता भक्ता हाल से यहाँ इस विद्यालय का एक नया कमरा बनने जा रहा है। सुख शांति रहे। इसको बदलने के जितने भी कीट पतंगे इत्यादि बढ़ते हैं उसका दोष आप ही उस ग्रहण करें, क्योंकि हम लोग तो ऐसे भी पाप में हैं, तमाम प्रकार के पाप होते रहते हैं। किसी को नहीं मालूम है। स्थापयाम ध्यायाम तो नमस्कार चंद्रामी लक्ष्मी प्रभु भी
किस हरे तुम पूरण परमात्मा तुम अंतर्यामी किस विधि मिलो तुम ठाकुर मेरे स्वर तुम संपन्न हो रहा है। देखिए हम यहाँ सरस्वती शिशु मंदिर में एक शिलान्यास कार्यक्रम में आए हुए हैं जो अपने सांसद निधि के द्वारा यहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म जयंती के संदर्भ में भी कार्यक्रम था। वह हम सभी लोगों के प्रणेता ही नहीं रहे हैं बल्कि राष्ट्रवादी विचारधारा के प्रणेता रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में सभी लोगों को पूज्य दीनदयाल जी को याद करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। विशेष करके हम सभी लोगों को तो उनके जो पथ हैं उस पर चलना चाहिए जो निर्धारित किए गए उनके द्वारा। दीन दुखी दरिद्र नारायण यह उनके आराध्य थे, उसके संदर्भ में सबको विचार करना चाहिए।